फ्री फ्री और कितना फ्री, लेकिन फ्री के इस होड़ में दिल्ली के तमाम राजनीतिक दल उतर आए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद को अपने सरकार को सर्टिफिकेट दे दिया है दुनिया के सबसे बेहतरीन सरकार का। उन्होंने कह रखा है कि 70 साल में जो कुछ भी नहीं हुआ इनकी सरकार ने 5 सालों में वो सब कुछ कर दिखाया है। लिहाजा इन्होंने पानी फ्री कर दिया, लेकिन इस ठंड में जहां तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और शिमला से बराबरी कर रहा है दिल्ली, उसमें वो कह रहे हैं कि 2500 लीटर दुनिया में अकेली सरकार है जो फ्री में पानी दे रही है। 2500 लीटर पानी दिल्ली के लोगों को फ्री में, मुफ्त में दे रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार उसके अलावा 400 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सरकार में आई तो ये 400 यूनिट फ्री से उसको बढ़ा करके दिल्ली के लोगों के लिए 600 यूनिट फ्री कर देगी। और बीजेपी भी इसमें कूद आई है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जितनी भी अनधिकृत कॉलोनियां थी उसको उन्होंने अधिकृत कर दिया है। लिहाजा फ्री के इस खेल में एक अजीब सा गणित उठ खड़ा हुआ है और दिल्ली वालों को अब लग रहा है कि वोट वो उसे ही डालेंगे जिनके ग्राफ में ये होगा कि सब कुछ कौन सबसे ज्यादा मात्रा में फ्री करने की स्थिति में है। तो वोटर को लुभाने का एक रिकॉर्ड बनने वाला है दिल्ली में। और जब ये ठंड के मौसम में ये रिकॉर्ड इसलिए बन रहा है कि एक उष्मा खड़ी हो रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है और ये सरगर्मी फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए है और उस चुनाव के लिए संभव है कि अगले 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उसके बाद ये फ्री का धंधा और जोर पड़ जाए। दिल्ली में सब कुछ फ्री क्यों है जानते हैं आप? दिल्ली में फ्री होने की वजह है GST से मिलने वाला बेशुमार धन। और दिल्ली देश के उन सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में है जिसे GST में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिलती है, भले ही इसका औद्योगिक ग्रोथ कम हो या बाकी ग्रोथ कम हो, लेकिन नौकरी पेशा लोग यहाँ इतनी ज्यादा हैं कि उनके GST से दिल्ली को इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है कि जैसे वो दावा कर रहे थे कि मेट्रो को पैसा देने की कोशिश कर रहे थे कि मेट्रो का सफर भी लोगों के लिए फ्री कर दिया जाए, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया जाए जैसे बस में उन्होंने किया है। और ये सब दिल्ली में संभव है उस GST के धन से, जिस GST से हम आप सरकार को दे रहे हैं और उसके एक मजबूत हिस्से के तौर पर दिल्ली सरकार को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में जो आज इस ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरत है वो जरूरत है अलाव फ्री करने की और ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करने की, या ट्रैफिक की जो हालत है दिल्ली में इस ठंड में लोग सिकुड़ रहे हैं, परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से राहत मिल जाए। और फ्री के इस खेल में लगता है मतदाता उसी के पीछे होगा जो मुकम्मल तौर पर बता पाएगा कि हाँ उसका फ्री जो है आने वाले दिन में उसके भविष्य को निखारेगा। दिल्ली के लिए ये फ्री बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और फ्री के इस खेल में हर कोई फंसे पड़े। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।